गाइज ये है अस्कोट जहाँ पर मैं रहता हूँ। अस्कोट के जस्ट पीछे शिखर वाला पहाड़ है जहाँ पर शिवजी लेटे हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिथौरागढ़ एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में देखा मैं भीड़ में रुका था, तो अभी फिलहाल रेडी तो हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो चलते हैं एक बार मार्केट की ओर और फिर दिखाते हैं। और फिलहाल गोप्रो को हेलमेट में भी माउंट कर लिया, तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकलना हूँ भीड़ से। सो गाइज अभी जाखनी पहुँचे और जाखनी से निकल लें। तो गाइज ये है सिलथाम और अभी हम सिलथाम पहुँचे और सिलथाम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ को जा रहे हैं। सो गाइज पहुंच चुके हैं पबजी रेस्टोरेंट पे। सो गाइज अभी बज रहे हैं दिन के एक और फिलहाल अभी तक एडिटिंग पे लगा हुआ था और वीडियो अपलोड भी कर दी है और अभी फिलहाल लंच करने जा रहा हूँ। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। सो गाइज लंच कर लिया है और अभी मेरा मार्केट में थोड़ा सा काम है, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद मार्केट से आने के बाद बाइक पे लगेज माउंट करते हैं और उसके बाद चलते हैं अस्कोट की ओर। मार्केट का काम करके तो अस्कोट को निकलना हूँ और सामान देख सकते हैं अब मैंने बाइक पे माउंट कर लिया है और तो चलते हैं अस्कोट की ओर। सो गाइज अभी मैं निकल रहा हूँ पिथौरागढ़ से अस्कोट के लिए। तो साथ वाला भाई मेरे को छोड़ने के लिए आया था, तो चल ठीक है बाद में मिलते हैं। तो आज की राइड भोलेनाथ के नाम हर हर महादेव, तो चलते हैं अस्कोट की ओर। सो गाइज ये है सिलथाम और यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है धारचूला वाले हाईवे पे, अभी हमें जाना है। ये रोड जाती है धारचूला को, जो धारचूला जो कि 97 किलोमीटर दूर है यहाँ से और अस्कोट 50 किलोमीटर। इस रही पुल में अभी पहुँचा हुआ हूँ और जो लेफ्ट वाली रोड है ये जाती है आरटीओ ऑफिस को और जिस रोड पर मैं आगे की ओर चल रहा हूँ वो जा रही है धारचूला तक और मुझे जाना है अभी अस्कोट। तो गाइज काफ़ी लंबा जाम लग चुका है यहाँ पर। पहले तेल भरा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं।
नहीं है तेल। तो गाइस इस पेट्रोल पंप पे तो तेल ही नहीं है, तो आगे चलते हैं। आई होप इसके अगले वाले पेट्रोल पंप पे तेल मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अस्कोट तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो पहले तेल भरवा लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद चलते हैं। ओ भाई पेट्रोल के लिए भी कई लंबी लाइन लगी है भाई यहाँ तो। सो गाइस तेल भरवा लिया है और फिर चलते हैं स्कूट की ओर। तो जाजर देवल से बागेश्वर चौकोड़ी और थल भी जाते हैं, तो ये वाला रास्ता है। और जिस पर हम चल रहे हैं वो है धारचूला हाईवे, जो लिपू लेक तक मिलता है। धारचूला यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है और अस्कोट जैसा कि आपको मैंने बता रखा है 50 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है, व्यू आ रहा है और सामने पे मंदिर है एक। तो अभी फिलहाल चलते हैं एस्कॉर्ट की ओर। जय हिंद जय भारत। गाइस ये वाला सीन देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब पूरा हिमालय यहाँ से दिख रहा है। और इस वाले साइड की बात करूँ तो ये चिपला केदार वाली पीक और उसके नीचे पे है नाना लेक वाली पीक। गोप्रो में उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज अभी मैं पहुँचा हूँ बंदरलीमा और सामने पे आप देख सकते हैं एक गुफा है, ऊपर एक सीढ़ी जा रही है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है, इसके अंदर मैं गया हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है आपको दिखाने का, क्योंकि टाइम भी बहुत चुका है और बहुत हो चुका है और मेरे को जल्दी से जल्दी एस्कॉर्ट पहुँचना है। यहाँ से रास्ता जाता है इस मंदिर के लिए, अंदर एक मंदिर है जो सीढ़ियाँ जा रही हैं और उसके अंदर जो छोटी सी गुफा दिख रही है उसके लगभग 10-20 मीटर अंदर एक गुफा है अंदर ही अंदर, और जहाँ शिवलिंग भी रखा हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा करिश्मा है इसके अंदर। तो अगर कभी मुझे दिखाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और अभी पहुँचने वाला हूँ मैं चरमा, 5 किलोमीटर दूर और है। और गाइज मेरे पिछले वाले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है और हल्की सी गाड़ी झुकाते ही टायर सीधे स्लिप हो जा रहा है। तो यहाँ पर तो कोई वर्कशॉप अवेलेबल नहीं है, और वर्कशॉप हमें ओगला में ही मिलेगा और ओगला में थोड़ा काम भी है और हवा भी डलवा लेंगे और वहीं से स्कूट को चलना है। तो चलते हैं अभी, और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:30। पहुंच चुके हैं चरमा और ये सामने आर्मी कैंप है। और ओगला चरमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है
और जब कभी भी आप ओगला हैं तो ओगला की नमकीन और ओगला की मिठाई जरूर खाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है ओगला में। और दोस्तों पहुंच गए हैं ओगला, तो ओगला से मिठाई और नमकीन ले लेते हैं। और जो ये लेफ्ट को रोड जा रही है, ये जा रही है डीडीहाट को, और सामने वाली रोड धारचूला को जो लिपू लेक तक मिलती है। सो गाइज, वो ये वाली शॉप है जहाँ पर मिठाई और नमकीन मिलती है, और यहाँ पर की फेमस मिठाई है ये, तो घर के लिए थोड़ा ले लिया। सो गाइस, पहले हवा भरा लेते हैं, और वर्कशॉप भी खुला ही हुआ है। हवा भर जाएगी अंकल? सो गाइस, हवा भरा लिया और चलते हैं उसके बाद स्कूट। अस्कोट अभी 9 किलोमीटर दूर और है। गाइज, ये है अस्कोट जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो बस अस्कोट पहुँचने वाले हैं। अस्कोट के जस्ट पीछे शिखर वाला पहाड़ जहाँ पर शिवजी लेटे हुए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो गाइज, ये है तिराया, और यहाँ राइट वाली रोड है जो जाती है धारचूला का, और जो सीधे जा रही है ये है अस्कोट को। गाइज, ये है अस्कोट की मार्केट। सो गाइज, गाड़ी को यहाँ पर ही कर देते हैं पार्क, क्योंकि ये वाली शॉप मेरी है और ले रखता हूँ। तो चलते हैं अभी घर की ओर। ये भी घर पहुंच चुका हूं, और व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।